आपने शायद कहा था उस पर उन्होंने इस्तीफा की बात कर दी थी। नहीं नहीं, वो उसका एक स्टेटमेंट आया था, तो जो स्टेटमेंट आया तो हमने वही पूछा कि हुआ क्या है, और जैसे ही जो देखा था हमने अधिकारियों को कह दिया कि इसको देख लीजिए, अगर मंत्री हैं और उसके आदमी दिमाग में ये सब बात हुई तो उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। हम जानना चाह रहे थे, लेकिन अब जानना चाह रहे थे उसको बोलने के बजाय चल दिया, बहुत समझाया गया सारे लोग, तो इस्तीफा आप देने पूछ के लिए। नहीं, आप पूछ लीजिए इनसे, डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, सारी बात आपको बता। कल हमने बात किया उनसे तो वो अड़े हुए हैं कि अभी भी कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, चोर है, सरदार है, अपने बयान में अपने बयान पर कायम हूं, 17 साल से भ्रष्ट सरकार है। देख लीजिए कि अगर कोई ये बात बोल रहा है, आप डिप्टी सीएम साहब से पूछ लीजिए, क्योंकि हम तो मौका दिए कि भाई क्या कोई मामला है तो बताइए, और कोई बाहर कुछ बोल रहा है तो वही लोग देख करके बता देंगे। ठीक, पूछ कर आपको, हमने तो पूछा ही, जरा बताइए भ्रष्ट क्या, भ्रष्ट सरकार सही में है, क्या बात करते हैं आप, एग्रीकल्चर का आप ही लोग जांच कर न लीजिए, जो उसका सेक्रेटरी है इससे बढ़िया कोई आदमी है, कितना बढ़िया आदमी है, और किस तरह से हमने जो भी कृषि रोड मैप जो बनाया है और उसको काम करने के लिए लगा रहता है, और हम तो हमेशा एग्रीकल्चर का भी काम करते हैं, और ऐसे हम लोगों ने अच्छा अभी भी जो देखिए दो बार हम एरियली जो पूरा का पूरा इलाकों का जहां पर वर्षा कम हुआ है और प्रभावित है, सब चीज़ का वो खेती उतना नहीं हुआ, तो एक एक एरिया को हम तो पहले ही देखना चाह रहे थे, जानते थे उस समय पैसा हो जा रहा था कि गया में लैंड कर गया, फिर नहीं हुआ तो फिर एक बार बाई रोड जा करके कुछ जगह पर देखे, लेकिन हमने कहा कि भाई अब हो गया, अब तो कोई अब लगा नहीं सकता है, तो इसके लिए पूरे तौर पर जा करके और अन्य फसलों के लिए सरकार की तरफ से दिया जा रहा है कि जो नहीं लगा पाए आप, धान की नहीं कर रहे हैं तो अब इसको करने के लिए, तो सब कुछ जो किया गया है तो उसी के लिए हमने कहा, तो हम दो दिन मैंने पूरा इलाका हम देख लिए, तो उसमें कौन था मेरे साथ बोलिए, आपदा प्रबंधन और उसके अलावे ये वाले थे कृषि वाले, एक एक चीज को देख करके चारों तरफ हर चीज का लोगों ने एक एक चीज का जायजा लिया है कि इस एरिया में पूरा हम लोग घूमे, मतलब समझ लीजिए कि दो दिन हम लोग 4 घंटा जिससे कम नहीं एक राउंड चक्कर लगाए, लैंड किया, फिर ये करके फिर हम लोग ऊपर गए, तो 17 से सब कुछ देखे हुए हैं, तो इसमें हम बहुत देखिए कौन सा सब जानते हैं, हमको सबको मदद करना है, जहाँ कहीं भी कुछ नहीं हुआ है बीजेपी तो सब लोगों को मदद करना है, इसके लिए तो हम ऑलरेडी बैठ करके चर्चा कर चुके हैं, और उसके बाद जब समूचा का असेसमेंट हो जाएगा और इसके बाद जहाँ कहीं भी जो नहीं है, आप जानते हैं ना किसान में हम सिर्फ जिनको खेती है उन्हीं को नहीं मानते, उनको मानते हैं जिनके पास खेत है वो भी किसान है, जो खेती करते हैं वो भी किसान है, और जो दूसरे के लिए भी खेती करते हैं वो सब किसान है, इसलिए उनकी संख्या बहुत है ना, तो सब लोगों को तो मदद करवाते हैं हम लोग ना, अलग अलग योजनाओं में आप जानते ही हर बार, और किस तरह से हम आपदा के टाइम में कैसे कैसे काम करवाते हैं, कहते हैं कि आपदा पीड़ितों को पहला अधिकार है सरकार के खजाने पर, हम प्रारंभ से ही साथ से ही बोल रहे हैं, इसलिए उनको ये पहुंचने के लिए कोई तरह का दिक्कत उनको नहीं हो, लेकिन अब थोड़ा ये एक तरह से जो देखते हैं, हम तो कल भी घूम रहे थे तो जगह जगह जो वर्षा हो रहा था तो हुआ कि चलिए कम से कम पानी पड़ रहा है, तो जितना भी लगाया है अब वो सुरक्षित रहेगा, दूसरी बात है कि पानी पड़ जाएगा तो नीचे से जो सबके घर में हम लोग जल पहुँचा रहे हैं, तो अगर पानी पड़ रहा है तो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल ठीक हो जाएगा, तो ये सब देख करके अच्छा लगा है कि थोड़ा बहुत अब तो कम से कम वर्षा हो रहा है, अब खेती के लिए कोई ये नहीं, हाँ लेकिन इसके बाद वाला जो कुछ करेगा तो उसमें कर सकता है, तो ये सब चीज़ को हम देखें, एक एक चीज़ को देखें, लेकिन कौन क्या बोलता है आप पूछ लीजिए, पूरा पता करिए, जरूर झंझट कोई किया अभी तक, ये अब देखिए तो पता ही करना है क्या ऐसा, तो भी सरकार बदली है तो सरकार बदलते हुए रुख को देखते हुए सब चीज को देखा जाएगा, अभी कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एक एक चीज को देखना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ और वो कैसे जा रहा था और किस प्रकार से इस तरह से कोई कर रहा है, कहाँ से कौन निकला, तो हर चीज को वहाँ के सर ये जो 4 लोग थे एसपी भी हैं सारे सब कुछ देख रहे हैं, एक की तो हत्या हो गई,
और बाकी जो कुछ भी है वो सबको, तो जो कुछ भी एक एक चीज़ को देख रहा है, और उसमें जिन लोगों को तेज़ी से काम नहीं करना था क्यों नहीं कोई काम किया ये भी देखने के लिए, तो कुछ लोगों को तो सस्पेंड भी किया है, आज ही हमको जानकारी दी है सात लोगों के बारे में, लेकिन हमने पूरा उसके लिए विस्तृत चर्चा की है। और कल ही जब इसकी थोड़ी अखबारों के माध्यम से पता चलता है ना भाई, अखबार या आप लोगों के ये माध्यम से टेलीविज़न वगैरह के माध्यम से जो कुछ भी पता चलता है, तो उसी के हिसाब से हमने पूछ लिया था तुरंत कि क्या हुआ है भाई, आरोप लगा रहे थे, उसके बाद कहा कि नहीं देख रहे हैं हम लोग ये कर रहे हैं वो सब सारी बातें, लेकिन आपको हमने पूरा इस तरीके की घटना पहली घटना हुई है। और देखिए इस तरह की बात आप जानते हैं कि किस तरह से लोगों को सचेत किया हुआ है, आप जरा गौर करिए, हम तो सब जब से काम करने का मौका मिला है तो याद कर लीजिए पुरानी चीजों को देख करके कि इस तरह की बातें ज्यादा कभी नहीं हुई है, लेकिन जान कोई ना कोई जो किया जा रहा है इसका मतलब तो बहुत साफ है, इसलिए एक एक चीज़ को और अलर्ट होकर के देखना पड़ेगा। और वैसे तो पूरे तौर पर हर जगह सब चीज़ों को देखा जा रहा है, और जहाँ से हम लोगों ने कर दिया है कि पुलिस का तो जिम्मेवारी हमने दे दिया है कि साहब इसको काम करना है। याद है ना जब पहली बार हमको मौका मिला तो बच्चे जो सुबह पढ़ते थे तो हमने मॉर्निंग सवेरे ही बुला करके बैठ करके सबके गार्जियंस को बुलाया, सबके टीचर्स को बुलाया कि कैसे हुआ, तो रात में ही पुलिस का हर जगह पर ड्यूटी ताकि किसी तरह का कोई काम नहीं हो इस तरह की बात, तो वही करते हुए उसी समय से हमने ये सब काम शुरू करवाया है। पेट्रोलिंग को फिर से आप कराएंगे जैसे ऐसी घटना को इतना दूर तक, तो एक एक चीज को देखना, तो एक एक बात पर बात हो गई है, कहीं देख लीजिए कहीं किस चीज की कमी थी। लोगों को रास्ते में रहना है, हमेशा उसको गाइड करते देखते रहना है हर सड़क पर, तो उसके बारे में तो हमने आप वो मिले हैं तो उन्हीं से न बतिया क्या मिले क्या बात है, खास बात आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमसे कोई ऐसी बात नहीं है, आप चाहते हैं कि साथ आ जाएं पहले? पवन वर्मा बात कोई नहीं, पवन वर्मा आप आए थे, पवन वर्मा से आप जानते हैं हमारा बहुत बहुत पहले का संबंध है जी पवन वर्मा का, तो पवन वर्मा भी फोन किए थे कि एक रोज मिलना चाहते हैं, आप ठीक काम किए तुम के जाइए, आ गए तो वही फिर लेकर किशोर को मिलवा क्या लिख कर दिए? नहीं लिख करके नहीं, कुछ नहीं, अच्छा। नहीं कुछ नहीं लिख करके, आपकी मुहिम से जुड़ने की उम्मीद है क्या? कुछ नहीं वैसी कोई बात, प्रशांत जी जो आए सामान्य बात इसे कह रहे हैं, प्रशांत जी तो पहले ऐसा कुछ नहीं है कि ये करना है वो करना है, सब कोई बात ऐसे आप जो है ऐसे जो आप हैं उन्हीं से पूछ लीजिए। सर एक और मामला बिहार में, मिलना क्या दिक्कत है, किसी चीज से मिलने में क्या दिक्कत है, कोई आदमी है हमारा तो बहुत पहले का ना संबंध है जी, तो कोई भी आदमी कहेगा कि हम मिलेंगे तो कहे नहीं मिलेंगे भाई, बीच में आप नाराज थे प्रशांत जी ना, हम नाराज उराज नहीं है भाई, आप लोग सवाल पूछ दिए तो हमने कर दिया हमने कि भाई बहुत पहले आप पूछा दिल्ली में कि बहुत पहले तो बोले थे तो हम लोग तो तैयार ही थे, लेकिन वो तो बात दूसरी है, अब छोड़ क्या बात, साथ आ सकते हैं साथ आ सकते हैं साथ आ सकते हैं प्रशांत किशोर, देखिए भाई हम बात आप लोगों से निवेदन करेंगे कि उन्हीं से बात की सर, एक और ऐसा कोई बातचीत खास सबकी चीज नहीं, सुधाकर सिंह ने सुना मंत्री सामान्य बात एकदम ऐसे कोई बात नहीं, अच्छा कृषि मंत्री की सुधाकर सिंह नाराज में चलने की बात कर रहे हैं, आप हैं कि बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार है तो क्या एम्बैरेसमेंट नहीं हो रहा है, इस तरीके की बात आज तक नहीं हुई है, पहली बार इस तरीके हम इस सब पर कोई ध्यान नहीं देते हैं, वो क्या बोल रहा है हम तो कल जानना ही चाहते थे कि क्या हुआ है, तो बोला ही नहीं, और अब सबसे पूछ तो लीजिए जो भी बेचारे मंत्री है, सारे मंत्री से आपको पता चल जाएगा, और आप पूछ लीजिए सर बीजेपी एक जानना चाह रही कि आपने कहा था जनता का राज, अगर जनता का राज है तो बेगूसराय में जगटी हो क्या था, अब बताइए हम तो आपको बता ही दिए कि क्या चीज हो रहा है, ये आप समझ रहे हैं एक एक चीज, और हमने तो अधिकारियों को कह दिया कि इस तरह की घटना एक एक चीज पर नजर रखे रहिए, हम तो कर ही रहे हैं कि जब एक बार हो गया तो इसका मतलब समझ लीजिए कहीं भी कुछ हो सकता है, तो देखने लिए हम सब करवा रहे हैं, ठीक है हम बाहर देखिए चल गया, हम तो अरे हम तो आके यहाँ पर बैठे होते कागज उगज अपना हम कागज देखते प्रशांत किशोर वाला भी इम्पोर्टेंट था।